सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और न्यू अपडेट निकल कर आ चुका है जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है, इसका फिजिकल 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह नोटिस जो है 24/10/2024 की डेट में रिलीज़ हुआ है। देखिए, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो है 16 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो कौन कौन से दिन में कितने कितने कैंडिडेट को फिजिकल दिलाने के लिए बुलाए जाएंगे वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और जो भी इवेंट होने वाला है उसका भी जानकारी इसमें दिया है कि कौन कौन से इवेंट में क्या क्या सामग्री लगने वाला है। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो विषय क्या है, तो जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थी के दस्तावेज की जांच, शारीरिक नाप जोख है एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन के संबंध में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है, 16/11/2024 से केंद्रवार निर्धारित परीक्षा स्थलों में आयोजित किया जाना है। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, टेंट फॉर होल्डिंग PST कैंडिडेट्स। देखिए, मिनिमम 100 कैंडिडेट के लिए एक टेंट लगने वाला है। इस तरीके से जो भी डाटा है, जो भी वहाँ यूज़ होने वाला है, जैसे कि जो भी इवेंट में जो भी सामान लगता है उसके बारे में जानकारी दिया है, तो मैं आप सभी को इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए रायपुर में जो है कांस्टेबल में देख सकते हो कितना फॉर्म गया है, 90,223 गया है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ड्राइवर की बात करें तो 1,747 गया है, ट्रेड की बात करें तो 325 गया है, टोटल जो है 92,295 गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेल फीमेल का अलग अलग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो रायपुर, ये जो डाटा है केवल रायपुर का है, और आगे मैं आप सभी को पूरा हर एक ज़िला का डाटा बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो है रायपुर का है, केवल रायपुर का, रायपुर में बहुत जगह फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो ये डाटा जो है केवल रायपुर का है। रायपुर में जो है 16 नवंबर 2024 को जो फिजिकल होगा उसमें जो है 500 लोगों को बुलाए जाएंगे। देख सकते हो, फर्स्ट दिन है इसलिए 500 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो है 17 नवंबर 2024 को 750 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, देख सकते हो। उसके बाद जो है 18 नवंबर को 1,000, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 19 को 1,000 और 20 तारीख को 1,500, देख सकते हो, 21 को 1,500, इस तरीके से बुलाए जाएंगे। देखिए, रायपुर में जो है फिजिकल देख सकते हो कितने दिन तक चलने वाला है, तो देखिए 25/12/2024 देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो 4 जनवरी 2025 तक चलने वाला है रायपुर में फिजिकल, इस तरीका से। और देख सकते हो कौन कौन से दिन में कितने कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, देख सकते हो, नया साल के दिन 2573 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, इस तरीका से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हो धमतरी, धमतरी की बात करें तो कांस्टेबल में देख सकते हो 60,974 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, इस तरीके से। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, ड्राइवर का देख सकते हो, ट्रेड का देख सकते हो, और टोटल जो है 68,694 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। देखिए, धमतरी में 16 नवंबर को 500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 17 नवंबर को 750, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। धमतरी में फिजिकल की बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए 23/12/2024 तक चलने वाला है। जो लोग धमतरी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये डाटा उनके लिए है। 23/12/2024 तक फिजिकल चलने वाला है, जो कि 22/12/2024 को 2,000 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद आ जाता है दुर्ग का, दुर्ग की बात करें तो कांस्टेबल में 73,655 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ड्राइवर की बात करें तो 1,444 है, और ट्रेड की बात करें तो 1,639 है, टोटल 76,738 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। मेल फीमेल का देख सकते हो अलग अलग है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो 16 नवंबर 2024 को 500 अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, जो कि पहला दिन है, इसलिए सबसे पहला दिन जो है कम अभ्यर्थी को बुलाए जा रहे हैं। हो गया दुर्ग में जो है कब तक फिजिकल चलने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 28/12/2024 तक चलने वाला है। 27/12/2024 को 1,583 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, हो गया। उसके बाद है राजनांदगांव आ जाता है, इस तरीके से आप लोग पूरा देख सकते हो। राजनांदगांव का है यह PDF, आप सभी को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बिलासपुर का है,
देखिए उसके बाद आ जाता है बिलासपुर का। देख सकते हो बिलासपुर में भी 16 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा, जो कि फर्स्ट दिन केवल 500 अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे। तो बिलासपुर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। 5 जनवरी 2025 को 757 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो है रायगढ़ का आ जाएगा। देख सकते हो यह PDF, यह नोटिस आप सभी को कैसे मिलेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अंबिकापुर सरगुजा का देख सकते हो। देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हो। मैं इसको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर इजीली देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम में जाना और अभिषेक नॉलेज सर्च करना। तो जो इस यूट्यूब चैनल का लोगो है सेम इसी तरह से लोगो उसमें भी आप सभी को मिल जाएगा देखने को, तो वहाँ से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि फ्यूचर में हर एक जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।